प्रदेश में राजनीति हवाएं गर्म हैं, और हो भी क्यों ना, बड़ौदा में उपचुनाव हैं और प्रदेश में भाजपा और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। दोनों ही पार्टियां बड़ौदा को जीतने के लिए रणनीतियां बना रही हैं और विपक्ष को चारों खाने चित करना चाह रही हैं। बड़ौदा को जीतने के लिए जेजेपी इस चुनाव में दमखम से लगी हुई है। जेजेपी को खड़ा करने और सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाने वाले, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर बांगड़ को इसीलिए भी पार्टी आगे कर रही है, क्योंकि बड़ौदा उनका गृह क्षेत्र है जिसका उपचुनाव में फायदा मिल सकता है। पार्टी के कार्यक्रम बांगड़ की अध्यक्षता में आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला तो कभी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला खुद बांगड़ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। कुछ राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन की सहमति भी अब बांगड़ की तरफ बनती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इशारे भी बांगड़ की ओर जा रही है। अजय सिंह बड़ौदा के अपने दौरे पर पूरा दिन कार्यक्रम में रहने के बाद बांगड़ के साथ उनके घर पर चाय की चुस्कियों का लुफ्त तो ले ही रहे थे, साथ ही उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच इशारा भी कर रहे थे कि अब बड़ौदा में ज्यादा सोचने को कुछ नहीं बचा, अगर जीत सुनिश्चित करनी है तो बांगड़ को मैदान में उतारना पड़ेगा। डॉक्टर चौटाला की सोच इसीलिए भी इशारा करती है, बड़ौदा और गोहाना में बांगड़ की मजबूत पकड़ है। दो बार गोहाना से चुनाव भी लड़ चुके हैं और उन्हीं की पुरानी पार्टी इनेलो में दो बार डॉक्टर कपूर को बड़ौदा चुनाव लड़वा उनकी मदद भी कर चुके हैं। लेकिन मौका है अब गठबंधन को जितवा कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्हीं के गढ़ में चित करने का है। हल्के में लगभग 700 चाय के कार्यक्रम भी बांगड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। अब इस इशारे को जनता कितना कामयाब बनाती है, यह तो समय ही बताएगा। खबर तहलका से विकास रोहिला की यह रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।